रहम्म अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं जी सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे सब खुश होंगे आबाद होंगे तो सर्दियों को भी इंजॉय कर रहे होंगे तो जी आज का ब्लॉग अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज का ब्लॉग जो है सुबह सुबह नाश्ता किया नाश्ता नाश्ता किया नहीं है बल्कि नाश्ता कर रही हूँ नमाज वग़ैरह पढ़ी है जीशान ने और मैंने हमारा ही सुबह का जो होता है ना दोनों का जो सेम टाइम पर ब्रेकफास्ट होता है हम दोनों का होता है क्योंकि मैंने जीशान को ड्रॉप करने जाना होता है तो इसलिए हम लोग ही सेम टाइम पर उठते हैं पहले मैं उठती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जीशान को उठाती हूँ क्योंकि उसकी अपनी नमाज भी लेट हो जाती है अपने काम भी लेट हो जाते हैं तो फिर उसको जीशान को उठाती हूँ फिर वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ता है फिर मैंने उससे कुरान का सुनना होता है कुरान पाक तो माशा उसने कब का पड़ा हुआ है पाँच छः साल की उम्र से माशाल्लाह माशाल्लाह पड़ा हुआ है लेकिन मैं कहती हूँ कि भूल जाते हैं बच्चे अभी उसामा हालांकि माशाल्लाह माशा का उससे भी मैं सुनती रहती हूँ कश्यप से भी कभी कभी सुनती हूँ मैं कि बच्चे भूल जाते हैं जब आगे जिंदगी में जाते हैं तो उस वक्त तक भूल ही ना जाएँ अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों से ना सुनती रहती हूँ तो झिशान से तो भी मैं डेली ही सुनती हूँ माशा से वो रोज़ाना सुनाता है मुझे और माशाला वैसे तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाला सपारे भी दस दस पारे उन्होंने माशाल्लाह हिफ़ भी कर लिए माशाला से अलहमदिल्ला लेकिन यह है कि जो उनका जो होता है ना डेली का जो नॉर्मल जो होता है क्योंकि आप जब कुरान पाक हिफ़्ज़ भी कर रहे होते हैं आपके सपारे वही वाले रिपीट हो रहे होते हैं बार बार तो पीछे वाले सपारों का बच्चों का इतना ध्यान नहीं होता तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पीछे वाले सपारे जो नॉर्मल जो होते हैं ना वो मैं उनसे सुनती रहती हूँ और हालांकि कुरान पाक माशाल्लाह इन्होंने नॉर्मल कुरान पाक जो थे, वो मेरे पास ही पढ़े थे हिफ़्ज उन्होंने वो हिफ्ज वो कारी साहब के पास कर रहे थे तो अभी देखें जी बातें करते करते मैंने बना दिया बड़ा ही अच्छा बगैर आटा गूंदे जो मैंने बनाया है अंडा पराठा वो मैंने बनाया देखे माशाल्लाह से कितना नाइस और कितना अच्छा बना आपको आटा, आटा भी नहीं गूंदना पड़ा और कुछ अलग से कुछ नहीं करना पड़ा अलग से पराठा नहीं बनाना पड़ा आपको उसी के अंदर मैंने दो तो जो टेबल स्पून थे ना वो डाल दिए थे मैदे के और आपका साथ ही पराठा बन गया दो अंडे डाले आपने पूरा देखा है प्रोसीजर क्या क्या मैंने डाला है तो माशाला से बहुत अच्छा बन गया था आप लोग भी जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसा बना था और आप लोगों को कैसा लगा था तो वही बात जैसे कि हर रोज़ बता रहे होते हैं यहाँ का वेदर डेली हमारी यही रूटीन होती है कि यहाँ का वेदर ये हो गया तो वो हो गया तो डेली यही होता है कि सुबह के टाइम सारे कहवा मांग रहे होते हैं कोई जो शानदा मांग रहा होता है तो अभी तो षान और मैं ही सुबह उठे होते हैं बाकी जब आते हैं तो वो भी यही उनकी डिमांड होती है कि मम्मा कावा बना दो हमें चाय बना दो या इस तरह मतलब स्पेशली ये चीज़ें ना सर्दियों में मिलास में ही मांगते हैं बच्चे तो यहाँ पे देख ले जीशान को मैं देने लगी थी जो शानदार शेयर टाल के और ख़ुद मैं अपनी कॉफ़ी थोड़ी सी लेने लगी थी जैसे मैंने आपको बताया कि चाय मैं नहीं पीती अब तो वैसे तो मैं चाय लवर इतनी थी इतनी थी कि मैं मैं कहती हूँ कि मेरी सुबह चाय के बगैर नहीं होती थी लेकिन अब मैंने चाय छोड़ी हुई है क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे स्टमक के लिए जो है ना चाय वो अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने कई दफ़ा यानी ये बात नोटिस की थी कि अगर मैं चाय पीती थी तो मुझे अजीब सी जैसे जिसको हम कहते हैं कि बदहज़मी जिस तरह हो जाती है जैसा जैसे आपको ऐसे लगता है कि जो खाया आपका हज़म नहीं हो रहा उस तरह था मैं उस तरह से मेरी हो जाती थी तो लेकिन जब से मैंने चाय छोड़ी अलहमद लाला अलहदुल्ल्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्लाह तला का मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ बस जिस टाइम भी मैंने पीनी होती है या मैं

बारिश हो रही हो तो ये होता है कि आपको पानी नहीं डालना पड़ता लेकिन ओ गॉड ये देखिए इधर शिशान की तरफ देखिए अपनी तरफ तो तर अंदर भी देख लें आपको कैसे नजर आ रहा है ये देखे, 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 देखे। देखे। अंदर जमी हुई है बर्फ है तो अभी पानी वगैरह फेंका है तो अभी चलते हैं बस अल्लाह का नाम लेके इनशा तला सुबह सुबह का टाइम है मैंने जैसे कि कल बताया था कि मैं इन श्रा सुबह से स्टार्ट लिया कर लिया करूँगी ब्लॉग तो अभी फिर ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है अभी रास्ते में निकलते हैं तो फिर आप लोगों से बात करते हैं व्यू देखें बा निकले अल्लाह का नाम लेके तो सामने व्यू देखे कितना खूबसूरत लग रहा है और इधर देखें कितना अंधेरा है सामने और उधर देख लें ये सब अल्लाह के रंग होते हैं तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला की मौजूदगी का कि वह हर रोज़ हमें एक नई सुबह देता है जितना भी गुण तो भी आई हूँ मैं पेट्रोल डलवाने के लिए और रश देखे यहाँ से क्यों जा रही है वो वहाँ तक तो ये सारी गाड़ियाँ आगे से हटेंगी कि मैंने तो मैंने पेट्रोल डलवाना है तो अभी मैं भी वेट बेसिकली मैं इस वक्त आई थी पेट्रोल डलवाने के लिए कि रोड पे रश कम होता है लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतना रश होगा देने कहीं अभी मैं बिल्कुल रोड के ऊपर ही तकरीबन साइड पे खड़ी हुई हूँ तो अभी ये रश खत्म हो गया तो फिर मेरी बारी आई तो मैंने समझा था कि रोड पे रश तो कम था इतना भी नहीं था लेकिन यहाँ पर आ गया पेट्रोल पम्प पर तो मैं इतने रश के टाइम बहुत काम भी कभी आई है लेकिन यहाँ तो बहुत रश है अभी ये ख़त्म होगा तो कभी डॉ जहाँ पर अभी तक स्टिल वेट कर रही हूँ आगे गाड़ी है उस साइड पर तो और भी गाड़ियाँ ढेर सारी ये यह यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पर टेस्को है हमारी टेस्को के पास वेट कर रही तो पेट्रोल डाल के ले आ चुकी थी अभी अभी आने का आजकल इतना ही अच्छा है वेदर थोड़ा ठंड तो हो जाती है धूट निकलने से यहाँ पे लेकिन यह के बेहतर अच्छा है मैं लोग जाना है थोड़े सा फ्रूट वगैरह लेना है इधर से और इधर से, से भी इधर मार्केट से भी जी तो अभी मैं लिडल में आ चुकी थी कुछ चीज़ें लेनी होती हैं क्योंकि घर के पास लिडल लिया तो फिर जल्दी से जाती हैं और वहाँ से जो कुछ भी जो नॉर्मली चीज़ें मुकम्मल जो ग्रोसरी होती है वो नहीं वो तो जो भी होती है आपकी बहुत ज़्यादा एक टाइम में आ जाती है लेकिन यह कि रोज़ की डेली की अगर कोई एक तो चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो वो मैं उसी टाइम जाके ना ले आती हूँ लिडल से जाके ले आती हूँ तो जैसा कि मैं पीछे आप लोगों को बता रही थी कि उसामा जी शान ने कशफ ने मेरे पास ये माशाला से इन्होंने पाँच छः छः साल की उम्र में कुराने पा ख़त्म कर लिए थे अक्सर लोग अगर मैं किसी से बात करती हूँ अपनी फ्रेंड्स वग़ैरह से या किसी से भी वो खुद सभी हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी आपने कैसे मतलब इन्होंने पढ़ लिए थे कैसे स्टार्ट करवाया था तो आप यकीन करें कि बच्चे पढ़ लेते हैं सिर्फ़ ये है कि माँ को फोकस करना पड़ता है माँ को टाइम देना पड़ता है अगर आप उनका कभी एक दिन भी मिस नहीं ना करते तो आपके बच्चे पाँच चार साल छः साल की उम्र में माशाल्लाह से पढ़ लेते हैं कुरान पाक और मैं दो ढाई साल की उम्र में इनको जो नॉर्मल जो कुरान पाक छोटा नुरानी कायदा होता है वो इनको पढ़ाना स्टार्ट करती थी अगर वो आपके बच्चे बिल्कुल सही पढ़ लेते हैं ना मेरे तीनों बच्चों ने माशाल्लाह से जब वो पढ़ लिया था उसके बाद उन्होंने पहले से से ख़ुद से लफ्ज़ जोड़ के जैसे उलाई का अला हदम से खुद अलहमदुल्ला से खुद उन्होंने पढ़ना यानी कि शुरू किया था यानी कि उन्हें मुझे मतलब उनको जिस तरह अगर आप लफ्सों को हिज्जे बना के उस तरह करके बताना पड़ता है ऐसे नहीं बताना पड़ता था तो माशाल्लाह वो पहले सपारे से खुद पढ़ते थे बाकायदा मेरे पास उस वक्त के मैंने स्पारों वाला कुरान पाक घर में रखा हुआ था जब मैं इटली में होती थी तो उस वक्त के सपारों वाला कुरान पाक मेरे, मेरे पास है और कितने सपारों पर अभी निशान लगा हुआ है जो मैं इनको नेक्स्ट डे के लिए बताती थी कि यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कल मुझे सुनाना है तो वो बात होती है कि आपके बच्चे पढ़ जाते हैं आपको खुद टाइम देना पड़ता है और उन पर फोकस करना पड़ता है इतनी बड़ी बात नहीं होती सिर्फ उनको टाइम दें आप मैं कहीं जाती थी ट्रैवल भी कहीं करती थी मैं पाकिस्तान भी जाती थी अम्मी के घर होती थी लेकिन उनका कुरान पाक जो होता था ना वो मैं कभी मिस नहीं करती थी और कई दफ़ा ऐसे होता था कि कश्यप को मैं पढ़ाते हुए थप्पड़ मार देता है बंदा तो नानों जो हैं पता ना आपको नानों को अपनी बेटी से ज़्यादा आगे से उनकी औलाद जो होती है ना वो प्यारी होती है चाहे बेटों की हो चाहे बेटी की हो तो उसकी नानो हमेशा कहा करती थी कि पंजाबी में जैसे वो कहती तो तो है कहती मैंने हथे लगदियाँ ने जो तू मार दें तो मैंने इन्ना दुख होंगे नानो ने हमेशा ये बोलना कि मुझे दिखा दिखा के लाइक मारती है हालाँकि मैं उनको दिखा के नहीं मारती थी मैं उसको पढ़ा रही होती थी कभी थप्पड़ लगाना ही पड़ जाता है और बच्चे वैसे भी सबको सब लोग इस बात से एग्री करेंगे अपने यानी कि जब आप गए होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हुए होते हैं तो बच्चे इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं कि अब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन मेरी शुरू से ये रूटीन होती थी कि मैं इनकी पढ़ाई को मिस नहीं करती थी चाहे आधा घंटा देती चाहे पंद्रह बीस मिनट देती लेकिन कोशिश ये करती थी कि उनका कुरान पाक या स्कूल का जो भी था वो उनका हरज ना हो हालाँकि इनकी बेसिक सारी तालीम जो है स्टार्टिंग तालीम जो है इनकी इटली में हुई है लेकिन मैंने हमेशा इनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाई है और उनको माशाल्लाह से आती है तो अभी मैं जिशान को लेके आ गई थी मैं गई थी फिर उसके बाद लिडल से होके मैं चली गई थी ये मार्केट भी गई उधर तो उधर से फिर मैं आ गई थी घर और जिशान ने कहा मुझे अभी से जल्दी से रोटियां बना दें उसको रोटियां बना के दी और चिकन और दाल माशाल्लाह से बना हुआ था उनके लिए तो उनको रोटी दी तो वो रोटी खा रहा था तो ये मैं जब गई थी उधर मार्केट में लॉन्ग साइड मार्केट में तो ये मैंने तीन जो थे ना अपने लिए जो थे स्काफ़ लिए थे क्योंकि आपको पता है कि सर्दी यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा सख्त वाला जो है ना जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो चुका है ये मैंने तीन लिए हैं आप लोगों ने बताना कि कौन से वाला अच्छा आप जरूर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा है और तीनों का स्टफ़ जो है ना थोड़ा डिफरेंट है ये देखें इसका स्टफ़ थोड़ा और डिफरेंट है वो जो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था इसका ऐसे है जैसे कि आपके बिल्कुल वो मतलब बिल्कुल नरम नरम जो होता है और ये वाला इसका अपना स्टफ़ सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे थे लेकिन यह है कि मुझे तीनों ही बहुत अच्छे लगे थे तो ये मैं तीनों ही ले आई थी मैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं वहाँ कॉव वाली जगह पे खड़ी हुई थी जब मैंने वहाँ से वीडियो बनाई है, आपने देखा होगा तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे आप लोगों ने भी बताना है कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा एक ही हल्का सा कलर था बिल्कुल तो ये तीन मैंने लिए थे तो मैंने कहा कि आगे से विंटर है तो अब तो इनकी बहुत ज़्यादा अशद जरूरत पड़ेगी तो हर विंटर में ज़ाहरी बात आप सारा विंटर यूज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट विंटर तक तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं तो नेक्स्ट विंटर अगर कोई बच जाए तो उसको यूज़ कर लेता है बंदा अगर नहीं बचता तो फिर उसको घर के कामों में यूज़ करके तो वेस्ट कर देते हैं तो ये वाले तीनों मैंने लिए थे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं जो भी मेरे बहन भाई देख रहे होते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें बेल आकाउन को क्लिक करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप बेल आइकाउन क्लिक कर लेते हैं कि जब भी मेरी वीडियो आती है तो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि मैंने नई वीडियो लगाई है इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है तो ये देखें जी तो ऋणान को लेके आई थी जैसे कि आप लोगों ने देखा है दाल चिकन पहले का बना हुआ था वो उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी तो मैंने कहा थोड़ी सी और कुछ ऐसी और सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी बना लेती हूँ तो उसके लिए मैंने इंस्टेंट भिंडी का सोचा मैंने कहा जल्दी से भिंडी बनाती हूँ थोड़ी सी भिंडी पड़ी हुई थी मैंने मैंने कहा खराब ही हो जाएगी इससे बेहतर है कि खा भी खाई भी जाएगी और दिल भी कर रहा था कि कोई तो डिफरेंट चीज़ की जो है ना थोड़ा कुछ और बनाऊँ मज़े का जो होता है क्योंकि मुझे वैसे भी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने जल्दी से भिंडी काटी उसके बाद थोड़े से आलू भी साथ काट लिए थे मुझे हमेशा अच्छी लगती है भिंडी आलू के साथ मैं अक्सर डालती हूँ जब भी बनाती हूँ आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन आलू डालता है और कौन कौन नहीं डालता मेरी अक्सर फ्रेंड्स कहती हैं कि हम नहीं डालते लेकिन शायद कुछ लोग डालते भी हों तो ये देखें सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे उसके बाद मैंने भिंडी डाल दी थी साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए और साथ ही मैंने स्पाइसेस और टमाटर वगैरह डाल दिए बस इसको 10 मिनट के लिए मैं जो है ना लगाऊंगी इसको बंद करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे तो माशाल्लाह से बेहतरीन जो हमारी भिंडी है वो तैयार हो जाएगी तो कश्यप को भी बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है हम बड़े शौक़ से खाते हैं तो ये देखें कश्यप अभी आ गई थी मैंने भिंडी रखी हुई थी पकने के लिए तो मैंने कहा था आज कश्यप और मैं मिल के भिंडी इंजॉय करेंगे लेकिन कश्यप ने लिया था पा पिज़्ज़ा लिया था ये देखें वेजिटेबल पिज्ज़ा बहुत ही मज़े का था तो वो उसने खाया होगा तो मुझे कह रही थी मम्मा आपके लिए भी लेके आई हो तो मैं तो एक ही पीस सिर्फ छोटा सा खाया था क्योंकि इतना दिल ही नहीं कर रहा था मेरा तो भिंडी पर दिल था लेकिन पिज्ज़ा भी अच्छा था तो वो लेके आई हुई थी ये देखें भिंडी माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार हो गई है तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी कोशिश करूँगी कि डेली की डेली लगाती रहूँ ताकि जो भी मेरी रूटीन होती है मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ और अगर आप लोगों को अच्छे लगते हो मेरे व्लाग तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा इन शाला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ अच्छी सी वीडियो के साथ अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी ओके बाय अल्लाह हाफिज़